वेलकम बैक फ्रेंड्स। इंस्टॉलेशन वीडियो तरीका क्या है हमारा काम करने का, जो वी लाइन एडिशन इतनी मेहनत के साथ जो तैयार होती है किस तरीके से होती है आपको बताना जरूरी है। मैं सबसे पहले डैम्पिंग से स्टार्ट करना चाहूंगा। अगर मैं हर वक्त आप लोगों को बोलता हूं प्रीमियम डैम्पिंग तरीका देखिए काम करने का, सीधा फिनिशिंग वर्क एक एक एजिंग में किस तरीके से हम काम करते हैं, द वाइब्रो डैम्पिंग इंटरनल एक्सटर्नल जो हमने पाइनियर के कंपोनेंट विद द प्रॉपर रेन गार्ड के साथ इंस्टॉल किए हुए हैं विद द क्रॉसओवर, इसकी भी फिटमेंट आप देख सकते हैं, और जो ये एम्बियंट लाइटिंग है ये उसके सॉकेट्स हैं। फ्रंट में भी आपको बताना जरूरी है फिनिशिंग ऑफ द वर्क दैट वी हैव डन इन द एटिका वी लाइन एडिशन विद द कॉम्पोनेंट। अगर हम ORVM के रिलेज भी लगाते हैं वो भी कनेक्टर टू कनेक्टर है, और ये एम्बियंट लाइटिंग के जो है प्रोजेक्टर्स है। रही बात है डैम्पिंग की, अब आते हैं हेडलाइट्स पे। दोस्तों एक आप लोगों को बताना जरूरी है, ये स्टॉक हेडलैम्प्स आते हैं हमारे कार के, अभी हेडलाइट्स ऑन नहीं है, लेकिन इसमें जो क्रिस्टल DRLs हमने इंस्टॉल किए हैं जो ऐप के थ्रू रन होते हैं, एंड द ड्यूअल प्रोजेक्टर, एग्जिस्टिंग जो लो बीम में प्रोजेक्टर्स लग के आते हैं लेकिन हाई बीम में भी हमने प्रोजेक्टर इंस्टॉल किए, लेकिन फिर से एक नए तरीके के साथ अगर आप लो बीम भी ऑन करेंगे तो दोनों प्रोजेक्टर एक साथ ऑन होंगे। मैं आपको बताऊंगा, आप देख सकते हैं अभी मैंने जो लो बीम ऑन की हुई है ये जो स्टॉक में है एक सिंगल प्रोजेक्टर ऑन हुआ है, इसकी तो पावर आती ही नहीं है, लेकिन इसमें लो बीम एंड हाई बीम परफेक्टली जो कलर टेम्परेचर है 4300 केल्विन का जो मैंने रखा हुआ है इसके अंदर आप देख सकते हैं। अगर आप बोलेंगे हाई बीम, यस ये आप देख सकते हैं हाई बीम, जो मैंने एक्स्ट्रा प्रोजेक्टर इंस्टॉल किए हैं वो हाई बीम में टर्न हो जाएंगे, लेकिन लो बीम भी परफेक्टली हमारा ऑन है। ये कुछ न्यू इनोवेटिव आइडिया के साथ आपके साथ आना था। प्रो 7 के जो प्रोजेक्टर्स हमने ये कार में इंस्टॉल किए हुए हैं विद द क्रिस्टल DRL के साथ, और मैं थैंक यू बोलूंगा दोस्तों जो क्रिस्टल DRLs में आप लोगों ने जो सपोर्ट दिया है। अगर ध्यान से देखोगे अभी इधर लाइट चालू है, जो प्रोजेक्टर्स है उसमें भी जो रेड कलर की थीम दी हुई है हमने एम्बियंट लाइटिंग की, जो रोड प्रेजेंस आता है ना, अगर जब रोड पे वी लाइन चलेगी और 10 जन मुड़ के ना देखे पीछे तो ऐसा हो नहीं सकता है दोस्तों। ग्रिल हमने रिप्लेस की हुई है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी उसे चेंज कीजिए, ये एग्जिस्टिंग ग्रिल लग के आती है, द डार्क क्रोमियम एडिशन की ग्रिल हमने रिप्लेस की हुई है। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज तनवीर फ्रॉम बिग ऑटो एसेसरीज वाशी नवी मुंबई। वी लाइन एडिशन, लास्ट वी लाइन एडिशन ऑफ दिस ईयर, मैंने भी एक ये किया, एक वी लाइन एडिशन को एक एक्सक्लूसिव रखना है, ये साल की लास्ट वी लाइन एडिशन है जो 2022 में द फर्स्ट वीक में जो फिर से मैं स्टार्ट करूंगा ना वी लाइन एडिशन,
आप भी बोलोगे कि मान गए अब तो मारुति को भी वी लाइन एडिशन को लॉन्च करना ही पड़ेगा। ये कार में ऐसा क्या खास बात है जो पिछले वी लाइन में थोड़ी चीजें रह गई थी? द मैं फ्रंट प्रोफाइल ऑफ द कार से मैं स्टार्ट करना चाहूंगा। द वी लाइन एडिशन हेडलाइट्स विद द क्रिस्टल DRLs, लेकिन इसमें ड्यूल प्रोजेक्टर्स हैं। यस, हमने प्रो 7 के इसके अंदर ड्यूल प्रोजेक्टर्स इंस्टॉल किए हुए हैं जो लो बीम में वर्क करते हैं और हाई बीम में भी ये वर्क करता है, क्योंकि एटिकास में कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी दूर से कि लाइट्स में को पावरफुल चाहिए और कॉम्प्रोमाइज भी नहीं चाहिए मुझे, तो हमने ड्यूल प्रोजेक्टर इंस्टॉल किया और जो लाइट का जो इफेक्ट है ना, कुछ तो अल्टीमेट है। अगेन द फ्रंट ग्रिल हमने रिप्लेस की हुई है विद द डार्क क्रोमियम के साथ, इसमें रेगुलर ग्रिल ही लग के आती है जो हमने चेंज की है। द स्टैंड आउट देखिए, प्रेजेंस देखिए कार का आप लोगों के सामने, ये एटिका जो आपने बिफोर के वीडियो देखा ये वही कार है। अगेन द एमोट्रिस किट हैज बीन इंस्टॉल इन दिस कार विद द DRL के साथ आती है। मैग्मा ग्रे ब्लैक एंड रेड कॉम्बिनेशन की जो किट हमने इंस्टॉल की है। फोक लैंप्स में भी प्रॉपरली हमने प्रोजेक्टर्स इंस्टॉल किए हैं प्रो 7 के, लेकिन जो फोक लैंप्स की जो गार्निशिंग है, जो प्लास्टिक पोर्शन आता है, इसे हमने पियानो ब्लैक किया हुआ है, लेकिन विद द क्रिस्टल DRLs ड्यूल प्रोजेक्टर आप लोगों के सामने है। द साइड प्रोफाइल ऑफ द कार में 16 इंचेस के वी लाइन एडिशन के अलॉय व्हील्स हमने इंस्टॉल किए हैं। ये कार में अलॉय व्हील्स तो लग के ही आए थे, लेकिन कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी, एमोट्रिस किट्स लगा रहे हैं और मुझे थोड़ी सी अच्छी हाइट्स भी चाहिए, तो हमने 16 इंचेस के अलॉय व्हील इंस्टॉल किए। और दोस्तों मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि एग्जिस्टिंग जो स्टॉक 15 इंचेस के अच्छे लग रहे थे कि हमने जो रिप्लेस किए हुए हैं वो किस तरीके से लग रहे हैं, लेकिन 16 इंचेस के साथ गाड़ी में राइड का कुछ मज़ा कुछ डिफरेंट है। साइड में भी एमोट्रिस कटिंग्स हमने इंस्टॉल की हुई है, आप देख सकते हैं। एक फ्रंट साइड एंड बैक में जो ये किट लगने से जो स्पोर्ट्स कार दिखती है ना, और कोई भी किट्स में ये मज़ा नहीं है। मिरर के जो कवर हैं इसे रिप्लेस करके कार्बन फाइबर कॉन्सेप्ट की थीम के हमने किया है, क्योंकि हमारा इंटीरियर वो कलर का है। द कार टू टोन रैप हमने ये कार अगेन की हुई है। डोर वाइजर लोअर विंडो गार्निश हमने इंस्टॉल नहीं किया हुआ है, लेकिन आप देख सकते हैं साइड प्रोफाइल से बिना डोर वाइजर लोअर विंडो गार्निश के भी किस तरीके से लगती है कार। हाई इंफ्रारेड हीट रिजेक्शन फिल्म भी हमने ये कार में इंस्टॉल की हुई है। लेकिन एक चीज़ बताना भूल गया था, फेंडर्स। एक फेंडर से लुक ऑफ द कार टोटली डिफरेंट हो जाता है, लेकिन ये फेंडर लुक नहीं है दोस्तों, ये सेफ्टी भी है। अभी पिछली बार एक कस्टमर आया था, एमोट्रिस किट जिसे हमने इंस्टॉल की थी, साइड से कुछ डैश हो गया तो ये फेंडर ने ही उसे बचाया था कि गाड़ी के अंदर स्क्रैचेस वगैरह बिल्कुल भी नहीं आए थे। अगेन रियर प्रोफाइल में द आन बान शान ऑफ द कार इज द रियर एमोट्रिस किट दैट वी हैव बीन इंस्टॉल इन दिस कार। जस्ट सी द फिटमेंट एंड द फिनिशिंग ऑफ द किट। ये एमोट्रिस किट के जो रियर की स्कर्टिंग लगने से है ना, एक लुक टोटली डिफरेंट चेंज हो जाता है। अगेन जो ये किट आती है मैग्मा ग्रे ब्लैक राइट एंड द लोअर पोर्शन जो आता है मेटालिक सिल्वर हमने किया हुआ है, आप देख सकते हैं। एमोट्रिस स्पॉइलर, ये कार में स्पॉइलर नहीं लग के आता है, और हम MGA का भी लगा सकते हैं आफ्टर मार्केट, लेकिन मुझे एमोट्रिस एक स्पोर्ट्स मोड लगाना था, क्योंकि ये फुल आते हैं, इसमें बॉडी जरा सी भी नहीं दिखाई देती है, और हमने बॉडी फिट रूफ रेल्स हमने ये कार में इंस्टॉल की हुई है। अब आते हैं इंटीरियर में, द वॉ फैक्टर ऑफ द कार में। जस्ट सी द फिनिशिंग ऑफ द कवर, और जो लेदर रैपिंग और एम्बियंट लाइटिंग हमने की हुई है इज समथिंग अमेजिंग एंड द डिफरेंट। ये कार में कार्बन फाइबर कॉन्सेप्ट किया है, ये कार में पियानो ब्लैक नहीं किया, क्योंकि मैग्मा ग्रे कलर की कार थी तो कुछ डिफरेंट मुझे करना था। स्टेयरिंग, जस्ट सी द फिटमेंट एंड द फिनिशिंग ऑफ द स्टेयरिंग ऑल्सो। सेंटर पोर्शन भी आप देख सकते हैं, जो AC के वेंट्स आते हैं इसे भी हमने पियानो ब्लैक किया हुआ है। द लेफ्ट प्रोफाइल में भी देख सकते हैं कार्बन फाइबर कॉन्सेप्ट विद द लेदर वर्क। एक चीज पे गौर कीजिए, कस्टमर की पहले ही रिक्वायरमेंट थी मुझे क्वालिटी चाहिए, अगर क्वालिटी चाहिए तो मुझे पाइनियर का प्लेयर देना पड़ेगा।
पाइनियर के प्लेयर की भी फिटमेंट फिनिशिंग आप देख सकते हैं। द साइड में जो 9 इंचेस की हमारी पियानो ब्लैक की फ्रेम आती है और अंदर से हमने एक अलग फ्रेम लगा के इसे एक अलग से लुक देने की हमने कोशिश की हुई है। लेकिन आप फिटमेंट फिनिशिंग, लेकिन इसका जो इफेक्ट है ना, कुछ अल्टीमेट है। एक पाइनियर में कैमरे की आप क्लियरिटी आप देख सकते हैं और इसका इफेक्ट तो मैं तो आपको जरूर सुनाऊंगा ही ये चीज के अंदर। सीट कवर अगेन द वी स्पोर्ट्स एडिशन के टॉप गियर के सीट कवर्स हमने ये कार में इंस्टॉल किए हैं। जस्ट सी द फिटमेंट एंड द फिनिशिंग ऑफ द सीट कवर। एलमेंट कलर हमने ये कार में यूज किया है सीट कवर का। लैमिनेशन हमने की नहीं है। सेम टॉप गियर की डायमंड स्टिच मैट्स हमने ये कार में इंस्टॉल किए हैं विद द हनीकॉम्ब अपहोल्ड्स के साथ। लेकिन दोस्तों आज कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि किस तरीके से आपको लगा है। पिलर ए, पिलर बी एंड पिलर सी, ऑल द 3 पिलर्स जो रैपिंग वर्क हमने किया हुआ है, इसकी एक एक साइड से फिनिशिंग एंड स्टिचिंग वर्क देख सकते हैं। एंड नॉट द लिस्ट, हमने सनग्लास होल्डर भी ये कार में इंस्टॉल किया हुआ है। लग्जरियस कॉन्सेप्ट में हम कोई चीज़ की कमी रखने वाले नहीं हैं, लेकिन मिडल सीट्स की भी फिटमेंट फिनिशिंग मैटिंग की आप लोगों के सामने है। दोस्तों क्वालिटी डिलीवर करनी ही थी मुझे। अगर एक एडिशन हम बनाते हैं तो इसमें रेगुलर कुछ काम वगैरह चलता नहीं है। मुझे एक क्वालिटी डिलीवर हर वक्त मुझे करना ही है ये चीज़ के अंदर जो आप लोगों के सामने है। वेलकम बैक फ्रेंड्स, मिस्टर अभिषेक सर फ्रॉम कर्नाटका, वी लाइन के ओनर हमारे साथ बैठे हैं। पाइनियर जेड सीरीज 5290 हमने इंस्टॉल किया है। क्वालिटी मींस क्वालिटी, क्वांटिटी नहीं है। प्रीमियम डैम्पिंग की हुई है और पाइनियर के हाई रीस के हमने चारों कंपोनेंट्स इंस्टॉल किए हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। पहले कैसा फील आ रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, गाना बजा, दिल का धक धक हो रहा है इधर। जो एक्चुअली में हमने क्रिस्टल क्लियर बोला था आपको, वो चीज डिलीवर की के नहीं आपको? मैं जिप माउंट करूंगा, गाड़ी यहाँ से लेके जाऊंगा ए टू जेड। आपने क्या ना, ऐसा नहीं कि आपने कुछ एक चीज किया नहीं है, सुपर्ब किया आपने, वेल डन जॉब बोलूंगा मैं आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और आप एक एक इसकी फिटमेंट फिनिश भी देख सकते हैं। 7 इंचेस का हमने ये कार में प्लेयर लगाया हुआ है। तो अब तो ये दौर ये वीडियो के बाद वापस पाइनियर का आ जाएगा, क्योंकि एवरीवन वांट्स क्वालिटी देन द क्वांटिटी। इफ यू वांट द क्वालिटी तो गो फॉर द पाइनियर। इफ यू वांट, वेलकम बैक फ्रेंड्स। कर्नाटका की फर्स्ट मेरी वी लाइन एडिशन है। मैंने वी लाइन्स भी बहुत बनाई है, मोटरेस भी बहुत बनाई है, लेकिन मेरी कर्नाटका की फर्स्ट है ये वाली वी लाइन एडिशन। और देव सर और अभिषेक सर ने मुझे मौका दिया है ये कार अपग्रेड करने का। सर से एक रिव्यू लेना चाहेंगे, हाउ वाज देयर एक्सपीरियंस, और कर्नाटका से आना वर्थ था कि नहीं? अभिषेक प्लीज। फर्स्ट थिंग, मुझे ये बहुत अच्छा लगा, आप बहुत फ्रेंडली बात करने के लिए, और आपके पास बहुत क्रिएटिव है। आप बोलते हो कि आप सजेस्ट, मैं करता हूँ मेरा गाड़ी समझ के आप करते हो। और दूसरी थिंग, मुझे ये अच्छा लगा कि आप एक एक स्टेप बताते हो कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, और कुछ दूसरा गाड़ी कॉपी करके आप नहीं करते। फर्स्ट थिंग वो होता है कि हमारा जो क्रिएटिव हम करते हैं तो आगे वाले को लगना चाहिए कहाँ से किया। सेम टू सेम में मज़ा नहीं आता एक थिंग। तो मेरे को अच्छा लगा आप क्रिएटिव करते हो, और आपके जो मतलब इतना टाइम में आपने किया, हमको कल जाना है कर्नाटक, तो आपने 1.5 दिन लिया आपने, तो बहुत अच्छा लगा। और ये प्लीज़ सजेस्ट करो ये शॉप। थैंक यू सर। देव सर प्लीज, जो भी बोलना था वो बोल दिया मेरे भांजे ने। टू गुड, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। क्योंकि ये कैसी लगी? अच्छी। सबसे पहले रिएक्शन इनका ही मेरे को आया, बोला वाओ। आते साथ मुझे इसने बोला कि वाओ मेरी गाड़ी क्या थी और क्या चीज इसने बना दी है। तो मैं भी आपको थैंक यू बोलूंगा और सब लोग एक ही बार मिलकर बोलेंगे वाओ वी लाइन एडिशन। वी लाइन जो 2022 में वाकई जो आने वाली है,
वापस सरप्राइज करूंगा नवी किट के साथ, वापस सरप्राइज करूंगा नवे स्पॉयलर्स के साथ आप लोगों को, क्योंकि जो आप लोगों ने मुझे सपोर्ट दिया है ना वी लाइन एडिशन में, मैं दिल से आप लोगों का थैंक यू बोलना चाहूंगा। लेकिन एक प्रोजेक्टर्स ड्यूअल प्रोजेक्टर के साथ भी विद द क्रिस्टल DRLs का मज़ा कुछ अलग है। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नहीं पसंद आया उसे डिसलाइक कर दीजिए, लेकिन उसकी भी वजह बता के जाना, क्योंकि मैं अगले वीडियो में रेडी रहूँगा वो चीज़ पूरी करने के लिए। बाय, टेक केयर, सेफ ड्राइविंग।